Hey, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to install System Dialer. दोस्तों इस डिवाइस में आपको प्री इंस्टॉल गूगल डायलर देखने को मिलते हैं जिसमें ना तो कॉन्टैक्ट फोटो फुल स्क्रीन होता है और ना ही ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्ड करने जाएंगे तो दोनों साइड पे अनाउंसमेंट सुनाई देगा। इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्ड दिया गया है लेकिन ऑटो कॉल रिकॉर्ड सेट करने के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम को बाईपास करने के लिए आपके लिए हम लेके आया है इसका सिस्टम डायलर जिसमें विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्ड होगा, फुल स्क्रीन कॉन्टैक्ट फोटो एंड HD वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हुआ है तो उस लिंक से सिस्टम कॉन्टैक्ट डायलर डाउनलोड कीजिए। APK फाइल डाउनलोड करने के बाद माई फाइल्स में जाके सिस्टम कॉन्टैक्ट इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में ये फाइल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाते हैं तो मैं आपको आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। APK कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट फोन सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद ऐप्स, इसके बाद डिफॉल्ट ऐप। यहाँ डिफॉल्ट फोन डायलर गूगल सिलेक्ट किया हुआ है, इसे चेंज करके अभी हमने जो इंस्टॉल किया वो कॉन्टैक्ट ऐप सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैक आइए। अब ऐप डोर ओपन करके कॉन्टैक्ट ऐप को यहाँ लेके आना है। इसके बाद जो गूगल डायलर है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाइए, फिर इसको डिजेबल कर देना। गूगल फोन डायलर डिजेबल हो चुका है। अब इसका ओरिजिनल सिस्टम डायलर ओपन करिए, फिर इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन अलाउ कर दीजिए। इस डायलर से जब हम किसी को कॉल करेंगे या वो बंदा आपको कॉल बैक करेगा, अगर उसका फ़ोटो सेट किया हुआ है तो उसका फुल स्क्रीन फ़ोटो यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से बिना कोई अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट सेम ऑपरेटिव ऑपरेटर वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस डायलर में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करने के लिए टू डॉटेड लाइन पर टैप करके सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ से ऑल कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओनली अननोन नंबर का कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन में सभी नंबर में से कुछ स्पेसिफिक नंबर का कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका कॉल रिकॉर्डिंग साउंड एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कॉल रिकॉर्डिंग फाइल माई फाइल्स मैनेजर में स्टोर होता है। फाइल मैनेजर के अंदर म्यूजिक फोल्डर, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग में सभी रिकॉर्ड किया हुआ साउंड देखने को मिल जाएगा। अगर आपने किसी कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो उसका ब्लॉक कॉल नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं, जो गूगल डायलर में नहीं होता था। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सिस्टम डायलर इंस्टॉल करके सभी फीचर्स का मजा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।